नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते सीतापुर की खबर। सीतापुर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सुनीता बंसल ने बुधवार को जनपद में महिलाओं की चिकित्सीय स्थिति की जमीनी जानकारी लिए जाने, महिलाओं को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन, कोविड काल में गर्भवती महिलाओं तथा अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे उपचार व्यवस्था का अनुसरण करने तथा कोविड-19 से बचाव हेतु टीकाकरण, महिला की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु जनपद सीतापुर में इसी जिला महिला चिकित्सालय और जनपद में संचालित विभिन्न प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। मैम, आज आपके द्वारा खैराबाद सीएससी का औचक निरीक्षण किया गया, उसके बाद जिला अस्पताल का क्या किया गया, क्या क्या कमियां मिली हैं और आपने क्या कार्रवाई के आदेश दिए हैं? किसी नहर की भी तैयारी कर ली है, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी, ऐसी कोई कमी में जो हमें नज़र नहीं आई, तो बहुत ऐसी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा। फिर मैं जिला महिला हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे लोगों ने शिकायत करी थी कि जिला हॉस्पिटल से ही सटा हुआ पीछे साइड में एक पैथोलॉजी है, लखनऊ डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ से जिला महिला हॉस्पिटल से महिलाओं को यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, मशीन ठीक है, पता नहीं अभी डॉक्टर्स की कमी है, तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो ये महिलाओं को महिलाएँ वहाँ जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। मैंने जाकर जब निरीक्षण किया तो बहुत सारी महिलाएँ यहाँ का खर्चा लेके वहाँ बैठी दिखाई दे रही थी, इसके लिए उसको पैथोलॉजी को सीज करने का निर्देश। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बड़ी लापरवाही है, वहाँ की सीएमएस के खिलाफ भी लापरवाही है कि उनके रहते हुए उनकी मौजूदगी में महिलाएं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराई जा रही, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की इसमें मिली भगत नज़र आ रही है। हाँ, मैंने बात की है और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो लापरवाही हो रही है, इसकी अच्छे से जाँच करूँगी और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, महिलाओं को हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो, उन्हें प्रॉपर दवाइयाँ मिले, उनको पूरा इलाज मिले और निःशुल्क इलाज मिले, अल्ट्रासाउंड भी हो, एक्सरे भी हो, जो भी उनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में ही मुहैया कराई गई हैं। इसके बावजूद भी अगर उन्हें परेशानी हो रही है, उन्हें बाहर जाकर अगर ये सब चीज़ें करवानी पड़ रही हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं महिला हॉस्पिटल में सरकार के प्रशासन भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है। मैं महिला हॉस्पिटल में तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं आपको देखने को मिली है, जैसे कि नल भी वहाँ पे खराब है, पानी पीने की भी समस्या है वहाँ पे, इसको लेकर क्या आपने दिया? मैंने उनको निर्देश दिया है सीएमएस को कि जल्द से जल्द इसे ठीक करा दिया जाए। आयुध भंडार को भी आपने देखा है, वहाँ पर कुछ एक्सपायरी डेट की दवाई मिली है? अच्छे से चेक किया है तो एक्सपायरी दवाइयाँ तो नहीं मिली, वो तो ठीक था, बस जो दिक्कत है अल्ट्रासाउंड को लेकर है वो भी बहुत जल्दी जो है यहाँ पे उसकी व्यवस्था करवा दी जाएगी, ताकि हमें जो महिलाएँ रहने आती हैं, गर्भवती महिलाएँ आती हैं, उनको सारी सुविधाएँ इसी हॉस्पिटल में ही मिल जाए, जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है।